चलिए आज हम लोग जानेंगे वर्कशॉप कंप्रेसर और वैक्यूम पंप में क्या डिफरेंट होता है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, कहां पर वर्कशॉप कंप्रेसर और कहां पर वैक्यूम पंप जरूरी होता है, दोनों का अगर हम अलग मिसयूज करें या अलग तरीके से यूज करें तो क्या क्या खराबी आ सकती है, समझिए। सबसे पहले ये वर्कशॉप कंप्रेसर है क्या, समझिए, ये फ्रिज में या एसी में वैक्यूम करने के लिए, वैक्यूम का मतलब उसके अंदर की नमी को बाहर निकालने के लिए हम वर्कशॉप कंप्रेसर या फिर वैक्यूम पंप का यूज करते हैं। अगर हम वह नमी बाहर न निकाले तो फ्रिज के अंदर जो पहले से हवा है, बाद में जो हमारी फ्रियान गैस या जो भी फ्रिज में भरी जाने वाली गैस होगी वो जाती है तो ठंडी गैस जाती है, और अंदर अगर हवा है उस हवा को ठंडी गैस जाएगी तो ठंडा करेगी, और अगर हवा को ठंडा किया जाए तो आप जानते हैं कि बनेगा क्या, पानी, और पानी को और ठंडा किया जाए तो वो बनेगा बर्फ, और बर्फ बना तो पाइप में जाकर कहीं जाम कर सकता है, तो इसीलिए अंदर की नमी को हमें बाहर निकालना होता है। हम वर्कशॉप कंप्रेसर से भी निकाल सकते हैं, वैक्यूम पंप से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप कंप्रेसर देखिए वैसे ये है फ्रिज का कंप्रेसर, इसके अंदर जो लाइनें हैं सक्शन और डिस्चार्ज, इन दोनों लाइनों पर एनआरबी वाल्व वाला पिन लगा दिया गया जिसके अंदर से पिन को खोल लिया गया, एक सक्शन लाइन में और एक डिस्चार्ज लाइन में, दोनों में इसको लगा दिया गया। अब करता क्या है, सक्शन लाइन से हवा हम फ्रिज के अंदर के खिंचवा लेते हैं और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंकवा देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमारा ये वैक्यूम पंप होता है। ये वैक्यूम पंप में क्या है, देखिए ये सिर्फ हवा को खींचने का काम करता है, फेंकता नहीं है। जो वर्कशॉप कंप्रेसर है उससे हम वैक्यूम भी कर सकते हैं और प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, दो काम कर सकता है, लेकिन ये वैक्यूम पंप हमारा सिर्फ वैक्यूम करता है, बना ही इसलिए है कि सिर्फ वैक्यूम कर सके। लेकिन अगर वर्कशॉप कंप्रेसर से हम वैक्यूम करते हैं तो फ्रिज में चोक होने के चांस अधिक होते हैं, अगर हम वैक्यूम पंप से करते हैं तो चोक होने के चांस कम होते हैं। इसका क्या कारण है, किस प्रकार से काम करता है, समझिए कि जब वर्कशॉप कंप्रेसर से हम वैक्यूम करते हैं ना, ये कंप्रेसर मोटर है और जब ये चलता है, जितनी देर चलता है जब तक गैस आती रहेगी तब तक तो यहां डिस्चार्ज लाइन से गैस भी फेंकता रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके सक्शन लाइन में गैस आना जब धीरे धीरे बंद हो जाती है, यहां से फेंकना कम कर देता है और कंप्रेसर पे लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ने लगता है क्योंकि ये कुछ खींचना चाह रहा है और खींच नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ पीछे से कुछ मिल ही नहीं रहा तो खींचेगा कहां से। जैसे समझिए कोई भी अगर मोटर हो, जैसे कोई सीलिंग फैन, कोई फराटा पंखा हो, अगर वो चल रहा है और आप उसको जबरदस्ती उसकी पत्ती को पकड़ करके रोक दे रहे हैं तो थोड़ी देर चलाने के बाद वो पंखा जल सकता है, उसी प्रकार से ये जो कंप्रेसर मोटर है अगर इसको चलाया जाएगा जबरदस्ती तो ये हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, अगर इसको ज्यादा देर तक चलाया जाए तो ये जल भी सकता है। लेकिन वैक्यूम पंप बना ही वैक्यूम करने के लिए, पहली चीज तो ये, दूसरी बात जब यह अंदर से सक्शन लाइन से हवा को खींचता है ना, जब अंदर की हवा पूरी खत्म हो जाती है उसके बाद भी ये खींचता रहता है, और उसके बाद जब खींचता रहता है तो क्या पाता है, जो पाइपों के अंदर नमी, जो भाप लगी हुई है, देखिए जब ये वैक्यूम पंप, जब हमारा ये वैक्यूम पंप नमी को खींचेगा तो ये तब तक खींचता, हवा खत्म हो जाएगी फिर भी खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। जैसे समझिए अभी हम इसको थोड़ा सा चला के दिखाते हैं आपको, जैसे हम इसकी चला दिए, आवाज अगर सुन पा रहे होंगे तो ऐसी आवाज इसकी आ रही है। जब इसको हम सक्शन लाइन जहां से हवा को खींच रहा है इसको बंद कर लिए, पूरी तरह से बंद करने के बाद भी ये हल्की हवा खींच रहा है और मोटर की गति वही है, उसी स्पीड से चल रहा है, मतलब जब ये इस तरह से हवा को खींचता है ना तो पाइपों के अंदर जो नमी होती है वो उसको सुखा देता है, मतलब पाइप अंदर से सूख जाती है, और जब अंदर से सूख जाती है फिर जब फ्रियान गैस भरेंगे तो चोक होने का चांस उसमें बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है जिसको हम वर्कशॉप कंप्रेसर बनाए हैं, ये पाइप के अंदर की नमी को सुखा नहीं सकता, अंदर की हवा को बाहर खींच के फेंक तो देगा लेकिन सुखा नहीं सकता, जिसकी वजह से वो जो पाइप के अंदर नमी लगी हुई है वो फिर से चोक कर सकती है। लेकिन अगर वैक्यूम पंप से वैक्यूम किया जाए तो ये पाइप के अंदर की नमी को सुखा देता है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम तक वैक्यूम कर सकते हैं वैक्यूम पंप के द्वारा। आप इससे करेंगे तो 5-10 मिनट कर सकते हैं अगर फ्रिज में कर रहे हैं तो, और इससे करेंगे तो आप घंटों चलाएं कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला, जब तक हवा है हवा खींचता रहेगा, हवा खत्म हो जाएगी अंदर की हवा को सुखाता रहेगा जो पाइप में लगी हुई है उसको, इसलिए। और पहली चीज, दूसरा क्या है कि अगर हमारी एसी है ज्यादा टन की, ज्यादा लोड की है तो यह करने में तो कई घंटों लगा देगा, लेकिन यह उसको फिर भी 20-25 मिनट में पूरी तरह से वैक्यूम कर सकता है, मतलब पहली चीज तो टाइम की बचत, दूसरी बात अगर वैक्यूम पंप से वैक्यूम करके किसी फ्रिज या एसी में गैस चार्ज करेंगे तो चोक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए आज भी बहुत सारे मिस्त्री देखेंगे एक वैक्यूम पंप साथ में लेके घूमते,
किस लिए? सिर्फ वैक्यूम करने के लिए। वो चाहते तो कंप्रेसर भी रख सकते हैं ना प्रेशर चढ़ाने के लिए, लेकिन जो मिस्त्री होते हैं वो उनको कहीं पर वेल्डिंग वगैरह करने का अनुभव इतना बढ़िया रहता है, वो वेल्डिंग करके कंफर्म कर लेते हैं कि इसके अंदर लीकेज नहीं है। तो लीकेज नहीं चेक कर सकते, इससे तो प्रेशर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन वैक्यूम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपको वैक्यूम करते समय हमेशा वैक्यूम पंप का यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से हम पाइप के अंदर की नमी को सुखाया जा सकता है। आपको यह राय कैसी लगी? अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट या सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।